आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक राजेंद्र लाल मित्र को याद करते हैं, जिनका जन्म 16 फरवरी 1822 को कोलकाता में हुआ था। राजेंद्र लाल भारत के अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें कई भाषाओं हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन का ज्ञान था। राजेंद्र लाल ने प्राचीन वस्तुओं के भारतीयों द्वारा अध्ययन की परंपरा की नींव रखी। उन्होंने जीवन पर्यंत एशियाटिक सोसाइटी में काम किया और एक लाइब्रेरियन के पद से तरक्की करते हुए 1885 में सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। उनके कुछ पथ प्रदर्शक कार्यों में नेपाल का संस्कृत बौद्ध साहित्य, उड़ीसा की प्राचीन वस्तुएं और बौद्ध गया शाक्य मुनि का आश्रम शामिल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। राजेंद्र लाल 1886 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों और उनके निकायों द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भारतीयों में से एक थे। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाद साहा को भी याद करते हैं, जिनका निधन 16 फरवरी 1956 को हुआ था। साहा को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए विवश किया गया था। जब मेघनाद स्कूल में थे तब बंगाल के गवर्नर उनके स्कूल का निरीक्षण करने आए। मेघनाद सहित कई छात्रों ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश गवर्नर का विरोध किया। सजा के तौर पर स्कूल प्रशासन ने मेघनाद की छात्रवृत्ति रोक दी और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। बाद में उन्होंने एक निजी विद्यालय में दाखिला लिया। साहा भाग्यशाली थे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्न दास, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे शिक्षक और सतेंद्रनाथ बोस तथा बाघा जतिन जैसे साथी मिले। साहा का सबसे प्रसिद्ध कार्य तत्वों के थर्मल आयनीकरण से संबंधित है और इससे उन्होंने साहा समीकरण के रूप में जानी जाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के उपकरण का भी आविष्कार किया। साहा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कोलकाता में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की। 1952 में स्थापित कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में साहा ने 30 प्रकार के भारतीय कैलेंडर प्रणालियों को एक राष्ट्रीय कैलेंडर में एकीकृत करने में मदद की। साहा को कई बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1952 में वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया और उसके बाद 1956 में मृत्यु तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में काम किया। आकाशवाणी इस महान देशभक्त वैज्ञानिक को नमन करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी बालछा को भी याद करते हैं,
जिन्होंने 1910 में बस्तर के जगदलपुर इलाके में सामंती और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भूमकल विद्रोह में हिस्सा लिया था। 16 फरवरी 1910 को हुई इंद्रावती फोर्ट लड़ाई में बालछा और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये देखते हुए कि हार अपरिहार्य है, बालछा अपने साथियों के साथ वहां से बच निकले और आसपास के गांव में लोगों को एकत्रित करने लगे। 25 फरवरी की रात को ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा और प्रसिद्ध जगदलपुर मामले में मुकदमा चलाया गया। बालछा सहित 78 स्वतंत्रता सेनानियों को बस्तर जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जून 1910 में उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया। वहां जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार और यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।